अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाने वाले हैं दाल माश, जिसके लिए माश की दाल ली है मैंने आधा किलो, अच्छी तरह धो लिया है। अब पानी शामिल करके 20 मिनट के लिए भिगो दें। अब दाल उबालेंगे। 3 गिलास पानी लिया पैन में, इसमें शामिल किया आधा चाय का चम्मच नमक। दाल शामिल करें और उबाल लें। ऊपर जो झाग बन जाए वो सारी एक चमचे की मदद से उतार लें। दाल नरम हो चुकी है। अब दाल को पकाएंगे। कढ़ाई में आधा कप तेल लिया, उसमें शामिल किया बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चम्मच, 8 से 10 हरी मिर्चें शामिल करें, 1 अदद बारीक कटी प्याज शामिल करें, 1 मिनट के लिए पकाएं। 4 अदद टमाटर पीस के शामिल करें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर शामिल करें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया, 1 खाने का चम्मच भुना कुटा जीरा, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करके पकाएं। फिर उबली हुई दाल शामिल कर दें। मसाले नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा कप पानी शामिल करें। और ढक कर पानी खुश्क होने तक दाल को पकाएं। अच्छी तरह दाल पक चुकी है। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल करें, हरा धनिया शामिल करें। अब दाल को तड़का लगाएंगे। 2 खाने के चम्मच पैन में घी शामिल करें, 2 खाने के चम्मच मक्खन शामिल करें। अच्छी तरह गरम हो जाए तो फिर इसमें बारीक कटी अदरक 1 खाने का चम्मच, 5 से 6 अदद लाल मिर्चें, 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते शामिल करें, 1 खाने का चम्मच साबुत जीरा शामिल करें। फिर ये तड़का दाल पे लगाएं। दाल माश बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी बनाएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।